हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में लेटरल मेनिस रिएक्शन डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि लेटरल मेनिस रिएक्शन क्या होता है, इसका मैकेनिज्म किस प्रकार से होता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है बीएससी लेवल के एग्जाम के परस्पेक्टिव से। सो उस अकॉर्डिंग आपको ये नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जिसको आप डायरेक्टली अपने बीएससी के थ्योरी एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं लेटरल मेनिस रिएक्शन क्या होता है। पहले इसका बेसिक डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। सो क्या है? फिनॉल कंडेंसेस विद फॉर्मेल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस टू गिव ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सिल बेंजिल अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड लेटरल मेनिस रिएक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। जब फिनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन दोनों का कराते हैं, ठीक है, संघनित कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, ठीक है, एसिड या बेस दोनों में से कोई एक यूज करेंगे इसको संघनित करने के लिए, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड को। सो जब ये कंडेंसेशन रिएक्शन जब होगा दोनों के बीच, तो हमको प्रोडक्ट के रूप में ऑर्थो हाइड्रोक्सिल बेंजिल एल्कोहल या फिर पैरा हाइड्रोक्सिल बेंजिल एल्कोहल हमको प्राप्त होता है। इसी को ही लेटरल मेनिस रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, ये इसका कंप्लीट रिएक्शन है, आप देख सकते हैं। यह है फिनॉल, ठीक है, बेंजिल रिंग में OH ग्रुप जुड़ा है, तो उसे फिनॉल कहा जाता है। सो फिनॉल में जब फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, ये फॉर्मेल्डिहाइड दोनों को जब हम कंडेंसेशन रिएक्शन होता है दोनों के बीच एसिड या बेस के प्रेजेंस में, तो हमको ये दोनों प्रोडक्ट प्राप्त होंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सिल बेंजिल अल्कोहल या पैरा हाइड्रोक्सिल बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, तो ये है हमारा लेटरल मेनिस रिएक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक डेफिनेशन और इसका रिएक्शन। ठीक है, अब हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लेटरल मेनिस रिएक्शन क्या है, किस प्रकार से ये प्रोडक्ट जो है प्राप्त हुए, किस प्रकार से कंप्लीट रिएक्शन हुआ है। जनरली बीएससी एग्जाम्स के लिए इसका मैकेनिज्म ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11वीं 12वीं तक तो आप जनरली अगर आप डेफिनेशन देके रिएक्शन लिख देते हैं तो इनफ होता है, लेकिन बीएससी एमएससी लेवल में आपको हर एक रिएक्शन का कंप्लीट मैकेनिज्म पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली में किस प्रकार से ये रिएक्शन हुए हैं, किस प्रकार से प्रोडक्ट प्राप्त हुए हैं। सो अब हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एंड नॉलेज के पर्सपेक्टिव से। आपको इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इसके मैकेनिज्म। ये है लेटरल मेनिस रिएक्शन का कंप्लीट मैकेनिज्म, जो कंप्लीटली तीन स्टेप में कंप्लीट होता है। सो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले क्या है हमारा, जो हमारा ये फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल को पहले फिनॉक्साइड आयन में हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो फिनॉल को फिनॉक्साइड आयन में चेंज करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं बेस की उपस्थिति में, तो हमको ये फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है। ठीक है, इस रिएक्शन को हमने पहले भी डिस्कस किया है। सो क्या होता है, ये फिनॉल है, जब इसका NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जो Na है सोडियम, यहाँ पे बेसिकली O- एंड H+ होता है। ठीक है, तो Na+ जो है O के साथ जुड़ जाएगा और ये OH- और ये H+, ठीक है, दोनों आपस में रिएक्ट करके H2O वाटर के मॉलिक्यूल बनाएंगे एंड इस रिएक्शन से बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड आयन पहले प्राप्त होगा, फिर उसके बाद जो सोडियम है वो इस रिएक्शन से बाहर चले जाता है एंड हमको ये फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है। तो सिंपली आप इसको एक स्टेप में लिख सकते हैं कि जब फिनॉल को NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमको फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होगा। ठीक है, ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, स्टेप टू में जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसको हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, H+ के साथ रिएक्ट कराएंगे। सिंपल सा है, हमने इसका जो बेसिक रिएक्शन जब हमने देखा कि फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल को आपस में जो है एसिड या बेस दोनों में से कोई एक यूज करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड को हम एसिड की उपस्थिति में रिएक्ट कराते हैं, दोनों को आपस में रिएक्ट कराते हैं, तो सिंपल सा रिएक्शन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन की तुलना में, तो जो ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके कारण इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा, और ये बॉन्ड टूट जाएगा और इस प्रकार से ये जो है C+ और ये जो फिर H, बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन में, तो ये जो H+ है ये जाके इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, और तो हमको ये कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सी में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन में एंड ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए ये H+ जाके उसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये हमको CH2OH प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जब हम फॉर्मेल्डिहाइड और एसिड को आपस में रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो हमको फिनॉक्साइड आयन जो प्राप्त हुआ है इसको फिर हम इसके साथ रिएक्ट कराएंगे।
ठीक है, सिंपल सा है। पहले फिनॉल को फिनॉक्साइड आयन में चेंज करेंगे, फिर फॉर्मेल्डिहाइड को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, फिर दोनों जो कंपाउंड प्राप्त हुआ, ये फिनॉक्साइड आयन और ये हमारा, तो दोनों को आपस में हम रिएक्ट कराते हैं। तो सिंपल सा है ये, सिंपल सा है। यहाँ पे जो है रिजोनेंस स्ट्रक्चर ये शो करता है। फिनॉल आपको पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है रिजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, किस प्रकार से शो करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बेंजीन रिंग में जो है यहाँ पे ओ माइनस, ठीक है, ये फिनॉक्साइड आयन है। तो यहाँ पे O में माइनस है, मतलब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो अपना जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है हर कोने में, तो कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा। तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन के पास ऑलरेडी उसका कंप्लीट है, ठीक है, उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन है सभी बॉन्ड बना चुके हैं। तो ये कार्बन को अगले कार्बन की ओर शिफ्ट कर देगा, ठीक है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको, ठीक है, ये कार्बन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है उसको इस कार्बन की ओर शिफ्ट कर देगा, जिसके कारण इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशंस में नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये जो CH2OH है हमारा, ठीक है, इसमें कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, हमने देखा था। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होके ये कार्बन इस कार्बन से आके जुड़ जाएगा और इस प्रकार के कंपाउंड बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, आपको पता है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, वहां से अलग हो जाएगा, और ये इस ओ यहाँ पे, यहाँ ये जो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट कर दिया है, इसके कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है, कमी हो गई है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, लेकिन इसका जो बॉन्ड टूटेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होगा, ये फिर से जो है जाके ऑक्सीजन में जुड़ जाएंगे, फिर से जो है ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये OH हो जाएगा, फिर से ये H इस O के साथ जुड़ गया और बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी इसकी तरफ ट्रांसफर हो गए। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस प्रकार से OH ये बन गया, और यहाँ पे CH2OH as it is इस ऑर्थो पोजिशन में जुड़ा रहेगा। ठीक है, और ये हमको जो है हाइड्रोक्सिल बेंजिल एल्कोहल प्राप्त होगा। ऑर्थो पोजिशन में जुड़ा है, इसलिए ऑर्थो हाइड्रोक्सिल बेंजिल एल्कोहल। अगर ये पैरा पोजिशन में जुड़ा होता तो पैरा हाइड्रोक्सिल बेंजिल एल्कोहल प्राप्त होता। तो इस प्रकार से ये पूरा मैकेनिज्म कंप्लीट होता है लैडर मैनेस रिएक्शन का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। अब बार बार प्रैक्टिस करेंगे, लिख के देखेंगे तो इजीली आपको आ जाएगा। एंड इससे पहले भी मैंने जितने भी एल्कोहल एंड फिनॉल चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है सभी को डिस्कस किया है डिटेल में। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां से आप एक एक करके सभी को देख सकते हैं, जो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। एंड अगर इसके अलावा अगर आपको ये कंप्लीट हैंडरिटन नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, जिसमें एक यूनिट में आपको एक यूनिट यूनिट वाइज नोट्स आपको मिलेंगे, एक यूनिट में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सभी आपको एक पीडीएफ में मिलेंगे। सो उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ स्टोर का लिंक मिलेगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। वहां आप इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के लिए डिफरेंट लिंक हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप अपने जिस भी मीडियम से आप बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, आप नोट्स ले सकते हैं। सो ये था लैडर मैनेस रिएक्शन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड ये नोट्स आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल हुए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।